मित्रों, चार राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम कमोबेश आ चुके हैं और इन चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। यह जो जनादेश प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश को बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती है और इन चारों राज्यों की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रोजेक्टेड जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे उनको भी इस शानदार विजय के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान की प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सुश्री वसुंधरा राजे और दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री पद के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जहां इन चारों को बधाई देता हूं, वहीं बूथ स्तर पर काम करने वाले अपने भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो भी सरकारें रही हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, हमारी इन सरकारों का परफॉर्मेंस इतना शानदार था, यानी गुड गवर्नेंस देने का जो काम किया है उसको पूरी तरह से इन राज्यों की जनता ने अप्रूव किया है, उसका अनुमोदन किया है। और सामान्यतः जब सरकारें किसी राज्य में होती हैं तो जब उसके बाद चुनाव होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव परिणाम जो आए हैं, उससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी बल्कि प्रो कम्बेंसी थी। और इन चुनाव परिणामों से यह बात भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में इन चारों राज्यों की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, यानी कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है उसके बारे में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यह कहा करते थे कि डेवलपमेंट का मॉडल स्टेट यदि कोई है तो वह राजस्थान है, यह दावा किया जाता था। लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस को कांग्रेस की बुरी पराजय हुई है। इसका मतलब कि इस देश की जनता ने यह माना है कि इस देश में गुड गवर्नेंस देने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए जिन राज्यों में हमारी सरकारें रही हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव से हमको जूझना नहीं पड़ा है बल्कि प्रो कम्बेंसी के कारण पहले की अपेक्षा अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार विजय प्राप्त हुई है। सर माइक थोड़ा नीचे कर लीजिए। और दिल्ली का जहां तक प्रश्न है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। मैं समझता हूं कि थोड़ा समय और लगेगा, कुछ घंटों के बाद ही चुनाव परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन अब इसमें दुविधा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। चारों राज्यों में कांग्रेस को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, चाहे हमारा मध्य प्रदेश राज्य हो अकेले या राजस्थान राज्य हो अकेले, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जो चारों राज्यों में विधानसभा की सीटें प्राप्त हुई हैं उससे अधिक सीटें अलग अलग इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं। सारी सीटों को मिलाकर भी हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 589 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव हुए थे। इन 579 विधानसभा क्षेत्रों में से 405 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। यह अप्रॉक्सिमेटली 69% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है।
यह लोकसभा के लिए एक लोकसभा के जो 2014 में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए एक स्पष्ट देश की जनता ने संकेत दे दिया है और इस चुनाव में इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का हमको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है और इसीलिए हम लोग यह मानते हैं कि इस विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे बात यह स्पष्ट हो चुकी है कि आगामी लोकसभा के जो चुनाव होंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनेगी, यह संकेत इस देश की जनता ने दे दिया है। बस मित्रों मेरी तरफ से इतना ही। मैं समझता हूं कि हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पूरे चुनाव परिणाम सामने नहीं आ जाते, लेकिन अब इसमें कहीं दुविधा नहीं है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई है। देखिए यहाँ 15 वर्षों तक दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार रही है उसके कारण भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी और उस एंटी इनकम्बेंसी का सर्वाधिक लाभ यदि किसी ने उठाया है तो आपने उठाया। मिस्टर बैंकट बैंकट हाँ एक बार बैंकट जी आते हैं आपके पास। बैंकट जी विल कम बैक विकास। भाई थोड़ा हीलो कम यार, मुझे तो बहुत हील लग रहा है, बोल नहीं कर रहा। ठीक है नहीं थोड़ा हीलो मत ना, बिल्कुल खड़ा हो जाओ। अधिकतर लोगों ने यहाँ पसंद नहीं किया, अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पसंद किया। जयमस्टर वेंकट पर सीधा जवाब दूंगा, सीधा जवाब दूंगा। नहीं, डीएमके की तरफ से ऑफर आया है ना, हमारी तरफ से कोई पहल हुई है। जवाब सीधा है। मिस्टर रविंदर फिर सुजीत ठाकुर हो गया। हो गई बात, आपने सीधा पूछा था, सीधा बतला दिया। मिस्टर रविंदर कम जी नहीं, देखिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हमारे जो चीफ ऑफिशियल कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे और हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है। लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुँचेगा कि चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला है। मिस्टर सुजीत ठाकुर मित्रों, एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं, इन चार राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद वहां विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का चुनाव करना है और इस चुनाव के लिए हमने कुछ ऑब्जर्वर्स तय किए हैं, उनकी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के लिए सुश्री सुषमा स्वराज और श्री राजीव प्रताप रूड़ी और वहां के प्रभारी हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अनंत कुमार जी वह मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में श्री वेंकैया नायडू और हमारे जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा और साथ में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। राजस्थान में श्री अरुण जेटली और जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और कप्तान सिंह सोलंकी वहां के प्रभारी हैं वह मौजूद रहेंगे। दिल्ली में श्री नितिन गडकरी और उनके साथ थावरचंद गहलोत जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं
वह ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहेंगे। यह चारों राज्यों में हमने ऑब्जर्वर मनोनीत किए हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है।